हेलो भाइयों, मैं हूँ आकाश पवार और अब यहाँ तो फिर से आ गया है। क्यों आए हो भाई आप? आप अपने घर को नहीं जाते हो? अरे 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 भाई साहब, ये भाई मैं आगे से उतरा हूँ, तू कहाँ आगे घुसने लग गया? भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? भाई अभी हम लोग आए हैं गुड़गांव बहुत दिनों के बाद में, और ये अरुण का बैग रखा हुआ है यहाँ पे पैक हुए हुए। जा रहा है तो बता दे, मतलब ही दुनिया से बहुत दूर। तुम जैसी मतलब ही दुनिया से। ठीक है भाई साहब, तो अभी हम लोग आए हैं गुड़गांव यहाँ पे अरुण को ड्रॉप करने के लिए। हम अपने काम में 12:14 पे थे, 12:14 पे टाइम देख। मेरे को ये कॉल किया था 11:47। अरे ये छोड़, तू मैं ये दिखाना। अरे ब्रो मेरा नंबर मत। 12:31 हो रहे हैं भाई, 15 मिनट में घर से यहाँ लग गई गाड़ी राजीव चौक पे, देख रहा है रोड। लेकिन भाई लेकिन 115, अब सीट बेल्ट लगाओ पहले तो आप। लेकिन 115 रुपए टोल यार, वन साइड का ये दुखता है थोड़ा। अच्छा आप मेरे को फोन पे कुछ बता रहे थे कि क्या आपको यहाँ पे परेशानी हो रही है राजीव चौक पे खड़े खड़े। यार ऑटो वाले परेशान कर दिए और टैक्सी वाले। भाई दिल्ली अरे नहीं जाना। भाई कितनी तेज बारिश आने लगी है यहाँ पे। हम तो जैसे ही दिल्ली के अंदर घुसे टर्मिनल पे, और उनको हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। इसका ये बैग यहाँ पे रखा हुआ है कहीं घूमने के लिए। 75वां आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग अभी मनाने जा रहे हैं कल। अच्छा, वो तो तू मनाने के लिए जा रहा है ना, हमको तो लेकर नहीं ले जा रहा है यार, ये बारिश क्यों आ गई। ओहो शिट, अकेले जाएगा तो ऐसा ही होगा ना भाई। अरे यार मैं नहीं ले जा रहा ना, इसलिए हम दो को नहीं लेके जा रहा ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। हेटर्स ब्रो, कितनी तेज बारिश हो रही है ब्रो, ऐसे में तो क्या करेंगे हम। गाड़ी होनी चाहिए यार, नीम में पानी भर जाएगा। ओह शिट कितनी पानी भर गया, एयरपोर्ट रोड पे भी निकासी ना है पानी की यार। वाओ नाइस वेरी नाइस। मैंने सोचा नहीं होगा ना इतनी तेज बारिश होगी यहाँ। भैया मेरी फ्लाइट है टर्मिनल 2 से। मैं होप कर रहा हूँ टर्मिनल 3 से होनी चाहिए थी, बट क्या करें जब इंटरनेशनल उड़ेंगे तो पक्का 3 से जाएंगे। अभी तो 2 से ही काम। देखो वो रहा, जूम करके दिखाओ टर्मिनल। जल्दी टर्मिनल 2। भाई यहाँ तो दिख ही नहीं रहा टर्मिनल 2 आपके। ऐसी लाइट लगवा लें क्या हम अपनी सेल्टोस में? ऐसी लाइट लगवा लें क्या? वेरी ब्यूटीफुल यार, मस्त लग रही है यार। बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है यार, ये कौन सी लेक्सस? हमको अपने नेकेड आई से ज्यादा दिख जा रहा है, बट इससे नहीं दिख रहा। कौन सी गाड़ी है ये बिंदर? इसीलिए इंजीनियर को हायर किया जाता है। वाओ नाइस, देखो रेल जा रही है। अरुण जल्दी से अपना बैग इस रेल में रख दो, तुम जाके कहाँ कंधों पे लेके जाओगे। ये टर्मिनल 2 है भाई, देखिए टर्मिनल 2 कितना देसी सा टर्मिनल है। इस पे आपको वो लेटने वाली कुर्सी भी नहीं मिलती है कि जब तक आपका गांव में है ऐसा टर्मिनल। गोरखपुर टर्मिनल 3 से ही जाती है फ्लाइट, पर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ टर्मिनल 2 पे लिखी हुई है। हाँ तो जाती होंगी। चलो अरुण बहुत लेट हो रहा है अभी हमको, हमारे डिफरेंट प्लान से, आप जाइए अभी जल्दी से। ठीक है चलो बाय। चल आजा पूरा आजा। ठीक है आगरा। ओ भाई साहब कितनी तेज बारिश हो रही है। ओहो आजा भाई साहब, देखो कितनी तगड़ी बारिश हो रही है यहाँ पे। और ये साइड के मिरर्स में से पीछे की तरफ में कुछ दिखता और नहीं है। पीछे और साइड में है, साइड में वही पीछे से कौन आ रहा है, वही मेरे कहने का मतलब है। भूरा घना इंटेलिजेंट बनता है। और देखिए सेल्टोस में अगर पीछे की तरफ वाइपर होता तो हम भी वाइपर मार देते पीछे और दिखता रहता कि क्या है, जैसे हमारी बलेनो थी। ये फायदा है टॉप मॉडल का। अच्छा जैसे हमने बलेनो का टॉप मॉडल लिया था, उसमें कितना अच्छा था। हम लोग नैनीताल घूमने के लिए गए थे तो पीछे की तरफ वाइपर मार के और हम देख लेते थे कि पीछे से कौन आ रहा है। और क्या करें इतनी सैड लाइफ। तुमको नहीं दिख रहा, तुम एक लेन में चलो ना, तुम लेन क्यों चेंज कर रहे हो? अरे ब्रो क्योंकि वो लर्नर है ना, वो लर्नर वाले इधर उधर करते रहते हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों को। लर्नर हो तुम, तुमसे ज्यादा मैं प्रो ड्राइवर हूँ। ठीक है बकवास करने की जरूरत तो है नहीं ज्यादा, नहीं तो अभी गाड़ी से उतार दूंगा बाहर। ठीक है और खड़े रहना बाहर जाके। देखिए गाइस कितनी तगड़ी बारिश हो रही है, ऐसी बारिश में गाड़ी चलाने का तो बहुत ही ज्यादा स्वाद है, बहुत ज्यादा आनंद है। कृपया करके आप भी गाड़ी लेकर निकल जाएं रोड पे गेड़ियां मारने के लिए। दिल्ली में बारिश हो रही है, निकल जाओ। जैसे हम बेरोजगार नल्ले लोग यहाँ घूम रहे हैं, ऐसे आप भी जल्दी से जल्दी अपने घरों से बाहर निकले और घूमे गेड़ियां मारे। देखो भाई हम गुड़गांव में घुसे और बारिश गायब, एकदम सूखे रोड। यो जैसे दिल्ली में है कुदरत का करिश्मा। दिल्ली में इतनी तगड़ी बारिश और यहाँ पे टोल है, यहाँ पे घुसने के साथ ही एकदम बारिश बंद हो गई।
वोट वोट क्या है ये? ये कुदरत का करिश्मा, नेचर, इट्स नेचर, इट इज कॉल्ड नेचर, अबे इट इज कॉल्ड नेचर। ओके, हम लोग पहुंच गए हैं मॉल में, मैं और अबे, अरुण को तो वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था एयरपोर्ट पे। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे मूवी देखने के लिए। अभी यहाँ पे एक नई मूवी आई है, क्या नाम है उसका, लाल सिंह चड्ढा। तो वो मूवी देखने के लिए आई हूँ। और भाई साहब पूरा मॉल की यहाँ पे पार्किंग पूरी भरी पड़ी है, कहीं यहाँ पे जगह ही नहीं मिल रही। पूरा फैमिली फैमिली आ रखी है सारे के सारे, बस हम दोनों ही हैं जो बिन फैमिली के आए हैं। कितनी सैड लाइफ है हम लोगों की। तो भाई अभी हमारी मूवी जो है वो है 2:10 की, और 2 बज चुके हैं, हमने टिकट करा ली। और पर भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई है, हम गए इन सारे फूड कोर्ट पे कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ से ले लेते हैं खाने पीने के लिए। कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो 10 मिनट में यहाँ पे मिल जाए। बस हम आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। ये गेट पे दे दिया है घुसते घुसते। तो अभी हम लोग लेकर आए हैं छोला समोसा, जो कि आपको छोला समोसा यहाँ पे पड़ता है 180 रुपीज़ का। कब जाएगा 180 रुपीज़ का समोसा तेरे पे? कब तो जाएगा पर पचेगा नहीं। देख तू मूवी में उल्टी ना कर दी कहीं बैठ के। इससे बेकार समोसे हमने आज तक नहीं खाए भाई। हैं अब लोग कहेंगे कि ये कहीं भी खाते हैं तो बुराई करते हैं, भाई क्या करें, हमारी किस्मत ही ऐसी है। हमारी किस्मत मतलब जल्दी जल्दी के चक्कर में हमने समोसे ले लिए कि चलो भैया ठीक ठाक होंगे, जल्दी फटाफट से खप भी जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे। ये लेमन ट्री से लिए थे, मानो कल के बाद ही हों। एक होना नहीं तो छोड़ भी देंगे क्योंकि मूवी का टाइम हो रहा है। अब चलते हैं, चल जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। चला, आवर शो इज़ गोइंग टू बिगन गाइज। लाल सिंह चड्ढा इन स्क्रीन नंबर 5, लाल सिंह चड्ढा। अभी हो गया भाई मूवी का इंटरवल, एंड हम लोग कितने पुअर हैं यार कि हम लोग मतलब ना पॉपकॉर्न लेते हैं ना कभी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। हम इतने पुअर क्यों हैं? नहीं बस तुम पुअर हो, तूने मुझे नहीं लेने दिया। ओ माय गॉड, तो रिच पर्सन आप जाइए ना, लेकर आइए, क्या पता इसी के बहाने भाई मेरे को भी खाने को मिल जाए। होने वाली है क्या? ऐसे थोड़े ना होता है भाई, उससे डिस्ट्रैक्शन होता है ना मूवी के बीच में खाने के चक्कर में। हाँ, फिर वो दूसरों को स्मेल आती है ना, तो दूसरों के मुंह में पानी आता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता अगर किसी के मन में इच्छा हो और हम उसको दे नहीं पा रहे हैं। चलो कोई नहीं, छोड़ो रहने दे, ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें होती हैं गाइस, डोंट ईट देम। ओके, नहीं तो दूसरों के मुँह में पानी आता और इससे ना दूसरों का मन ही ललचाता है बस। ब्रो अभी हम मूवी देखकर तो आ गए हैं, पर यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ है भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ है, टेबल तो खड़े होने की जगह ना मिल पा रही। देखो हम कितने कम स्पेस में खड़े हैं एकदम, हैं हमको तो थोड़ी में भीड़ है, उधर भीड़ है। मतलब वही जहाँ में मेन खाने की चीज़ है वहाँ पे तो भीड़ है ही यार। भाई यार भूख इतनी ज़ोर की लगी हुई है और जगह मिल नहीं रही है, करें तो करें क्या। रेलगाड़ी छुक 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 छुक, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, अबे के लिए आई है, अबे आपको पिक करने के लिए आई है। अब आपको मानेसर जाना है ना, तो इसी ट्रेन में बैठ के चले जाओ ब्रो। भाई अभी ना तो कुछ खाया और ना कुछ यहाँ से लिया, मतलब प्लानिंग थी कि मस्त अपना खाएंगे पियेंगे इधर और अपना टी शर्ट वगैरह लेंगे, शॉपिंग भी करेंगे। भीड़ इतनी ज़्यादा ना यार आज, इतनी ज़्यादा भीड़। मतलब एक तो वीकेंड हो गया, फिर लोगों की छुट्टियों हो, वो इंडिपेंडेंट वो लॉन्ग वीकेंड होता है ना ऑफिस वाले लोगों का, वो हो गया एक ऊपर से, तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई मॉल में। कुछ ना मतलब था तो कुछ बहुत कुछ, बट भीड़ इतनी थी ना देख देख के, बस ऐसे हो रहा था कि चलें हम यहाँ से। अच्छा हाँ, लाल सिंह चड्ढा मूवी की बात करें तो भाई मूवी भाई मस्त मूवी थी यार। मतलब इमोशनल भी थी, फनी भी थी और थोड़ी सेंटिमेंटल भी थी। अच्छी मूवी थी, है ना भाई दोस्त? यस yes. आपको कैसी लगी? अरे अच्छी लगी यार, बहुत अच्छी लगी मुझे तो। तेज बोला, मैं तो ये सोच रहा हूँ लोग इसमें क्या ऑफेंड होने वाली क्या चीज़ थी। मतलब हमें तो कुछ लगा नहीं ऐसा ऑफेंड होने जैसा, भाई होगा कई लोगों के अलग अलग तरीके के विचार होते हैं, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं अपना मूवी देखने के बाद में, अब बाहर ही कुछ खाएंगे पियेंगे। भाई कुछ भी खाने को कहीं मिला नहीं, एक बिरयानी की दुकान देखी और उधर ही हम लोग रुक गए, अरब बिरयानी खा रहे हैं, बहुत दिन हो चुके थे। चलो ब्रो अब है, अब आपसे अलविदा लेने का टाइम आ गया, फिर से आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। चलो बाय बाय।
सो यही थी भाई वीडियो। और मैं भी अपने घर पे अभी पहुंच चुका हूँ, रात को 8 बज चुके हैं लगभग यहाँ पे मेरे को घर पे पहुँचते पहुँचते। सो वीडियो देखने आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वीकेंड्स पे कभी भी मॉल वगैरह ना जाएं भाई, भीड़ इतनी ज़्यादा मिलती है, भीड़ ही भीड़, ना खाने को मिलता, ना पीने को मिलता, ना कुछ देखने को मिलता। सो इससे चलो वीकडेज में चले जाएँ, ऑफिस वाले लोग नहीं जा सकते हैं, बाकी हम जैसे नल्ले लोग जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।